ओह नो, इतनी जल्दी मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ? क्या बोली मैं? वो होटल की आग में मेरा पासपोर्ट जल गया, अभी न्यू पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, और जब तक पासपोर्ट नहीं आ जाएगा आई कांट ट्रैवल। समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। जस्ट व्हाट डू यू मीन बाय तुम कहाँ रहोगी? अलीना, तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी, तुम हमारी फैमिली जैसी हो। अलीना, यू आर अ फैमिली टू अस, तुम यहीं रहोगी एंड दैट्स फाइनल। अलीना, तेरा ही घर है, तू इधर ही रहेगी हमारे साथ। बहुत हुआ, अब जो मैं कहती हूं वही होगा, और मैंने डिसाइड किया है कि हम सब कल पिकनिक पर जाएंगे। पिकनिक? अरे दीदा, आपने अपनी एक्टिंग से डरा दिया था मेरे को। दीदा, काजोल और सुनील को भी बुला लो, मैं ना सबके लिए मिठाई लेके आती हूँ, ठीक है? सबसे पहले बूंदी को, आप ही का प्लान है ना ये? तुम लोगों के लिए भी है, पहले तुम लोग। मेरी बेकसूर मॉम को जेल में भिजवा के यहाँ क्यूटली पिकनिक प्लान कर रही हूँ, लाइक सीरियसली, हाइट्स ऑफ बीइंग डिस्गस्टिंग। क्या कोयल, अभी बहुत अंदर से बेटी वाला प्यार जग रहा है तेरे, हैं? तेरी माँ ने ना हमारे साथ क्या खेल खेला है मालूम? आग लगाई है, आग अंदर, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, माई के साथ, जेल तो उसको जाना ही था। गलत इल्जाम है, उन्हें घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाती? उन्होंने रिजॉर्ट में हाउसकीपिंग का जॉब ले लिया, हाँ, पर उनकी गलती ये है कि उन्होंने ये सब जानते हुए ये चांस लिया। इनफ कोयल, बहुत हो गया, अब मैं पहली वाली माँ ही नहीं। थैंक्स टू योर मदर, लोगों की परख करना सिखा दिया उन्होंने मुझे। और अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है ना, तो मैं पहले भी कह चुकी और दोबारा कह रही, यू मेरी लीव। अरे तो पहले ही बोला था। शोम, चलो पुलिस स्टेशन मॉम के पास। क्या संस्कार है सासू मम्मी के, दोनों बच्चों को मां के लिए प्यार भी जताना है और घर का ऐशो आराम छोड़ के भी नहीं जाना है। जय हो सासू मम्मी। छोड़ो सत्या, सब परेशान है तुम्हारे लिए। होने दो। बहुत बदमाश हो गए तुम आजकल। जानता हूँ। क्या कर रहे तू? पायल यहाँ? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने पायल को देखा अभी, पर गई कहाँ? पता नहीं है सत्या कहाँ रह गया। हाँ सच में ये लड़का भी ना
पता नहीं दादा कहाँ है, इतना ढूंढा मिल ही नहीं रहे। कुछ नहीं, नौटंकी चल रही थी सब, माही के साथ इश्क लड़ा रहा था और हमें खामखा यहाँ पे परेशान करके छोड़ा। मैं हूं ना माही, कुछ नहीं होगा तुमको। सत्या आराम से। माही आप इधर क्या कर रही हैं? पीछा कर रही है हमारा, ये सब कुछ आपका किया हुआ है। अगर ये सब कुछ आपने किया है ना तो नहीं। मैं सोचूं, मैंने इसे कहीं देखा है, ऐसा लग रहा था मुझे, पर मैं पक्का मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चुप रह गई। लेकिन ये जेल से बाहर कैसे आई? किसने निकाला रे तुझे बाहर? देखिए मैं वो तुझे क्या लगा? तेरा ये सब नाटक हमारी समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तूने माही को गिराया, अब बचाने की कोशिश कर रही है, वो नाटक सब कर रही है, हमको क्या समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा तू माही को छोड़ के गई तो उसका कोई नहीं है? मैं हूँ उसकी माँ, समझी? मैं हूँ उसकी माँ। अगर मेरे बच्चों की ओर ना आंख उठा के भी देखा ना तो आंखें नोच लूंगी, समझी क्या? देखिए आपका गुस्सा जायज है, लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस बार कुछ नहीं किया, मैंने तो इसको बचाया। सत्या, तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने घर पे आस्तीन का सांप पाला हुआ है? आस्तीन की सांप तो आप हैं। जाकर भी हमारी जिंदगी में अब तुम्हारा कभी वापस मत आइएगा। भाई तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं जस्ट लीव जाइए यहाँ से। सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? निकलो। कुशन फेंक करना। अब मारा लो, शर्ट भी मारा, क्या उखाड़ लेगी? ए ए ए ए ए ए अरे तुम में किधर से दुर्गा माता आ गई?